सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है। 2025 तक सरकार ने 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राज्यों से कहा गया है कि वो केंद्रीय पीएसयू कंपनियों की मदद लें। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। किन कंपनियों को इससे फायदा हो सकता है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, बताएं आखिर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है, कंपनियों को इस फैसले का फायदा मिलेगा? देखिए, पावर ग्रिड, पीएफसी एंड आरईसी जैसी जो कंपनियां हैं उन्हें स्मार्ट मीटर्स की सप्लाई के लिए बड़े टेंडर मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो स्मार्ट मीटर्स के प्रोक्योरमेंट के लिए सेंट्रल पीएसयूज को अप्रोच करें। कई राज्यों ने ऊर्जा मंत्रालय से इस बात के लिए संपर्क किया है कि उन्हें अच्छे बिड्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से स्मार्ट मीटर्स की सप्लाई के लिए। जहां पर मल्टीपल बिड्स मिले भी हैं वहां पर रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। ऐसी सूरत में ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि अगर उन्हें इस बात की ज़रूरत महसूस होती है तो वो सेंट्रल पीएसयूज को अप्रोच करें, यानी कि पावर ग्रिड और पीएफसी एंड आरईसी को अप्रोच करें ताकि वो सफिशिएंट मात्रा में जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो सप्लाई कर पाएँ और जो इंस्टॉलेशन का टारगेट है उसको हासिल किया जा सके। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कुछ राज्यों ने ये अपील की थी कि स्मार्ट मीटर्स प्रोक्योरमेंट के लिए कैपेक्स कम हाइब्रिड मोड जो है वो अडॉप्ट करने की इजाज़त दी जाए। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इसकी इजाज़त नहीं होगी और जो पुराना गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का जो मोड है उसी को अडॉप्ट करना है स्मार्ट मीटर्स के प्रोक्योरमेंट के लिए। साथ ही साथ सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि 15 जून 2023 तक वो टेंडर फ्लोट करें ताकि सफिशिएंट स्मार्ट मीटर्स का प्रोक्योरमेंट जो है वो हो सके। जैसा कि आपको पता है कि सरकार 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का इंस्टॉलेशन करना चाहती है पूरे देश भर में ताकि जो एटीएनसी लॉसेस है डिस्कॉम्स के उसमें बड़ी कमी देखने को मिले, पावर सेक्टर में सुधार हो। साथ ही साथ इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए के फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान सरकार ने किया था पावर सेक्टर के लिए। उसमें सेपरेटली 23,000 करोड़ रुपए की घोषणा जो की गई थी वो सिर्फ स्मार्ट मीटर्स के प्रोक्योरमेंट के लिए की गई थी। लिहाजा राज्यों को समय पर स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं और अगर वो इस टारगेट को अचीव नहीं करते हैं तो जो सेंट्रल ग्रांट है उसमें कटौती की जा सकती है। शुक्रिया करेंगे आपका प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।